हेलो आई एम एम एस चौहान तो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द यूनिट सेकंड, यूनिट सेकंड करंट इलेक्ट्रिसिटी तो हम डिस्कस कर रहे थे हमने कल भी किया था कि क्लास ट्वेल्व फिजिक्स की हम डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम जो आपकी बोर्ड एग्जाम है आपकी हेल्प करेंगे गुड मार्क्स गेन करने के लिए तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं कल हमने यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक के हमने डिस्कस किए थे आज हम यूनिट सेकंड को ड्राइव करेंगे कि यूनिट सेकंड में कितने क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट्स हैं तो वो आपको आइए देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स आपको ये टर्म्स को डेफिनेशन देनी है कि क्या डेफिनेशन होगी इनकी तो पहली टर्म है आपकी करंट डेंसिटी करंट डेंसिटी क्या होती है याद रखो जब भी आप इनको पूछा तो एग्जाम में हमें डेफिनेशन के लिए ही है लेकिन आपको क्या करना है इसकी डेफिनेशन के साथ साथ करंट डेंसिटी की डेफिनेशन भी करनी है इसके साथ साथ आपको इसकी ऐसा यूनिट भी करनी है इसका डायमेंशन फार्मूला भी करना है और इसका मैथमेटिकली फार्मूला भी करना है इससे आपको वन मार्क्स क्वेश्चन में हेल्प मिलेगी तो याद रखिए सारी इन्फॉर्मेशन करनी है आपको लेकिन जब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जो पूछा है वही आपको फिर आंसर देना होगा तो अब हम करंट डेंसिटी सेकंड है हमारी मोबाइलिटी मोबाइलिटी क्या होती है उसकी डेफिनेशन आपका फार्मूला ऐसा यूनिट और डायमेंशन फार्मूला फिर थर्ड है हमारी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या होती है और ऐसे ही इलेक्ट्रिक रजिस्टिविटी क्या होती है तो इनको भी आपको डिफ़ाइन करना है फोर्थ टर्म है हमारी रजिस्टेंस रजिस्टेंस क्या होता है और स्पेसिफिक रजिस्टेंस क्या होता है तो स्पेसिफिक रजिस्टेंस और रजिस्टेंस क्या होगा डेफिनेशन इनकी आपको करनी है सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे बहुत बार आप भी वन मार्क्स टू मार्क्स थ्री मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है तो हाउ कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड कंडक्टिविटी है पहले आपको कंडक्टिविटी के लिए केस में करना है मैंने रजिस्टिविटी यहाँ पे कर ही दी है कि आपको कंडक्टिविटी पूछे या फिर रजिस्टिविटी पूछे तो जिससे कि आप एक बार में दोनों इन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सको तो पहले हम करते हैं कि कंडक्टिविटी क्या है टेम्परेचर के साथ किस तरह से रिलेट होगी किसके रिलेशन में देनी आपको? Metals, है आपको तो फॉर द मेटल्स यानी कि मेटल हैं यदि हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं तो उसकी कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ऐसे ही फिर नॉन मेटल्स के केस में और फिर ऐसे ही सेमी कंडक्टर्स के केस में आपको ऑल्सो ड्रॉ दियर ग्राफ्स ग्राफ भी आपको इसके ड्रॉ करने पड़ेंगे तो कंडक्टिविटी के तीनों केस में करेंगे फिर ऐसे ही से रजिस्टिविटी के तीनों केस में करेंगे और इसके लिए ग्राफ बनाएंगे तो ये आपको सेकंड क्वेश्चन करना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका ड्राइव द रिलेशन बिटवीन आपको ये रिलेशन निकालनी है कि जे रो और ई e, इनमें तीनों में क्या रिलेशन होती है इनकी मैथमेटिकली आपको ये ड्राइव करना है सेकेंड वी डी और आई में क्या होती है वी डी यहाँ पे ड्रिप्ट बलॉजी और आई करंट तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में क्या रिलेशन होती है ये आपको नेक्स्ट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर तो क्वेश्चन नंबर फोर क्या कहता है कि व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो आप याद रखिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी यूनिट सेकंड के चैप्टर फर्स्ट में आता है तो उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इसकी जो रिलेशंस आती हैं इंपॉर्टेंट रिलेशंस इसमें आती हैं तो वो भी आपको साथ में ड्राइव करनी है लेकिन हम अब यहाँ पे करते हैं कि व्हाट इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है हाउ कैन यू ड्राइव इट्स एक्सप्रेशन इसका एक्सप्रेशन आप किस तरह से ड्राइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ नीट डायग्राम आपको डायग्राम बताना उसमें उसमें टर्म्स डिफाइन करनी है और आपको ये मैथमेटिकली एक्सप्रेशन निकालना है तो ये करना है आपको क्वेश्चन नंबर फिफ्थ डिफाइन द ई वी और वी टी यहाँ पे ई यहाँ पे ई एम एफ है आर है यहाँ पर इंटरनल रजिस्टेंस ऑफिस सेल और वी टी है यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज वी वी लिख सकते हैं इसे डिनोट कर देते हैं लेकिन मैंने यहाँ पे वी टी लिखा है इनकी टर्मिनल वोल्टेज इससे कि आपको डिफरेंस पता चल जाए आपको बस डिफ़ाइन करना है इन सारी टर्म्स को और फिर क्या करना है ड्राइव रिलेशन बिटवीन द और तीनों में मैथमेटिकली डेरिवेशन क्या होता है वो आपको निकालना होगा और इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि ऑल्सो एक्सप्लेन द फैक्टर्स इफेक्टिंग द आर यानी कि जो इंटरनल रजिस्टेंस होता है स्मॉल आर उसको कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं वो आपको यहाँ पे भी राइट करने होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स करते हैं एक्सप्लेन द सीरीज सीरीज का है या फिर पैरेलल का ही मैंने यहाँ पे दोनों ही ले लिए हैं इसमें एक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन भी होती है तो आपको यहीं पे दो करते हैं पहले यदि आप ये कर लोगे तो मिक्स्ड वाली ऑटोमेटिकली हो जाएगी तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन करनी है आपको किसके लिए ग्रुपिंग में करनी है ग्रुपिंग ऑफ एन आइडेंटिकल सेल इसके लिए आपको भी ये एक्सप्लेन करनी होगी क्वेश्चन नंबर सेवन ये क्वेश्चन नंबर सेवन इंपॉर्टेंट है इसमें से आपको या फिर न्यूमेरिकल मिले या फिर इसकी डेफिनेशन मिले कि वॉट डू यू मीन बाई लूप लॉ लूप लॉ क्या होता है यानी कि हम इन्हें कह रहे हैं किचॉफ्स लॉ को हम कहते हैं किर्चॉफ के दो लॉ हैं फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ उनको ही हम दूसरी वे से पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन तो व्हाट डू यू मीन बाय द लूप लॉ लूप लॉ क्या होता है और जंक्शन लॉ क्या होता है तो क्रिचॉफ जो सेकंड लॉ है उसे हम लूप लॉ कहते हैं और जंक्शन लॉ फर्स्ट को कहते हैं आपको इनकी डेफिनेशन बतानी है तो ये है आप नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर एट्थ क्वेश्चन नंबर एटथ कहता है हमारा स्टेट एंड प्रूफ द बैलेंस कंडीशन आपको बैलेंस कंडीशन बताने है कि पहले क्या होती है बैलेंस कंडीशन स्टेट करना है आपको और फिर उसको प्रूफ करना है किस तरह से प्रूफ करना है बाई यूजिंग द क्रिच लॉ तो आपको बैलेंस कंडीशन बतानी है विथ स्टोन ब्रिज की डब्लू एस बी विथ स्टोन ब्रिज इसकी हमें बैलेंस कंडीशन को डिफाइन करना है स्टेट करना है और फिर इसे प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ द क्रिच लॉ तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन कहता है हाउ कैन यू फाइंड द अननोन रजिस्टेंस ऑफ ए वायर बाई यूजिंग द एम बी एम बी मैंने यहाँ पे कहा मीटर ब्रिज तो मीटर ब्रिज की हेल्प से आप किस तरह से अननोन रजिस्टेंस फाइंड करेंगे फिर आपको बताना वाई इट्स नेम इज मीटर ब्रिज और इसे हम मीटर ब्रिज क्यों कहते हैं इसका नाम क्यों है मीटर ब्रिज इसका एक अदर नेम और है तो आप कमेंट कर सकते हैं इसका अदर नेम क्या होगा एम बी का अदर नेम और क्या होता है तो यू कैन कमेंट योर आंसर क्वेश्चन नंबर टेन एंड दिस इज द वेरी वेरी important क्वेश्चन what इज द प्रिंसिपल ऑफ द पी एम पी एम ए कहा यहाँ पे पोटेंशियोमीटर तो पोटेंशियोमीटर का आपको बताना है कि प्रिंसिपल क्या होता है यानी कि किस पे वर्क करेगा एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द सर्किट डायग्राम आपको सर्किट डायग्राम बनाना है उसकी सहायता से आपको यूज ऑफ द पोटेंशियोमीटर पोटेंशियोमीटर को यूज करना है किसके लिए फॉर फाइंडिंग द आर आर यहाँ पे इंटरनल इंटरनल ऑफ ए सेल तो किस तरह से हम इंटरनल रेजिस्टेंस किसी भी सेल का पोटेंशियो की हेल्प से निकालेंगे सेकेंड आपको ये बताना है कि टू कंपेयर द ई ऑफ टू सेल दो सेल यदि हमें दे रखे हैं तो उनकी हम ई को किस तरह से चेक करेंगे यहाँ पे कंपेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ द पोटेंशियो मीटर तो ये रहे आपके टेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द यूनिट सेकंड करंट इलेक्ट्रिसिटी तो डू प्रैक्टिस फॉर दिज क्वेश्चंस बेस्ट ऑफ लक